हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया हूँ। नाम है क्या आप जानते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपसे प्रतिदिन 10 साधारण प्रश्नों के जवाब पूछूंगा और आपको इसके लिए 15 सेकेंड का समय भी मिलेगा। आपको अपना उत्तर नोट करना है और 15 सेकेंड के पश्चात मैं आपको जवाब बताऊंगा। तो सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे 10 अंक और प्रश्न अंतिम प्रश्न के पश्चात आप अपना स्कोर जोड़ें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास प्ले टाइम है और प्ले टाइम जो है 10 प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न सीरियल के प्रश्न को हमारे सामने दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारे पास सब प्रश्न आने वाला है। तो हमारे पास पहला प्रश्न आया है, वो है नेम द फर्स्ट फीमेल इंडियन एस्ट्रोनॉट। हमारे देश के पहले जो महिला अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम बताइए। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, हेलेन शर्मन एंड सैंड्रा मैग्नस। आपको इन चारों में से सही जवाब बताना है और आपका समय शुरू हो चुका है। समय को ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से अपना उत्तर चुनिए। मैं चूंकि ये पहला प्रश्न है, मैं आपके ऑप्शंस को आधा कर देता हूँ और आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। देखिए, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपके पास टाइम खत्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए कल्पना चावला, क्या ये सही है। बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग प्ले टाइम से दूसरा प्रश्न लेते हैं और दूसरा प्रश्न क्या आ रहा है हमारे पास, चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है और प्रश्न क्या है, विच स्टेट हैज टेकन अप संस्कृत एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। किस राज्य ने अपने राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड केरला। आपका समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी से अपना जवाब चुन लीजिए और जल्दी से बताइए। दोस्तों, जैसा कि हर राज्य का एक राजकीय भाषा होता है, तो इनमें से किस राज्य ने अपना एक राजकीय भाषा के रूप में संस्कृत को चुना है। मुझे लगता है आपने उत्तर नोट कर लिया होगा। आपका समय भी समाप्त हो चुका है, चलिए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। क्या ये ऑप्शन सी उत्तराखंड है, चेक करते हैं। बिल्कुल सही। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्ले टाइम से तीसरा प्रश्न मांगते हैं, वो कौन सा प्रश्न हमें दे रहा है। हाँ, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। नरेंद्र मोदी जो है, जो हमारे अभी प्रधानमंत्री है, वो इससे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे और वो कौन सा राज्य है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। आपका समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी से जो है अपना जवाब नोट कर लीजिए और स्कोर भी जोड़ते जाइए। आपको सही प्रश्न के लिए 10 अंक मिल रहे हैं। मैं आपके ऑप्शंस आधे कर देता हूँ, आप जल्दी से देखिए। आपके पास दो ऑप्शंस बचे हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इनमें से क्या सही होगा। आपका समय समाप्त हो चुका है, चलिए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी गुजरात, क्या ये सही है। बिल्कुल सही। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं। प्ले टाइम हमें कौन सा प्रश्न दे रहा है, जो हमारा चौथा प्रश्न आने वाला है। और चौथा प्रश्न है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी जो है किस तापमान पर उबलता है। ऑप्शन ए है 99 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 101 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन डी है 102 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से अपना उत्तर नोट कर लीजिए और जल्दी से हमें बताइए। आपके पास 8 सेकंड बचे हैं, क्या आपने अपना उत्तर नोट कर लिया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। आपका समय समाप्त होने वाला है और आपका समय समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या उत्तर होगा। ऑप्शन बी 100, क्या ये सही है। बिल्कुल सही है। अगर आपने सही चुना है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्ले टाइम हमें कौन सा प्रश्न दे रहा है। हाँ, प्ले टाइम ने हमें आठवां प्रश्न जो है 5वें नंबर पे दिया है और ये प्रश्न क्या है, हाउ मेनी स्टेट्स इंडिया है। भारत के पास कितने राज्य हैं। देखते हैं, ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28 या ऑप्शन डी
30, आपका समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी से सोचिए इसके बारे में। अभी आपको पता है कि कुछ चेंजेस भी हो चुके हैं नंबर ऑफ राज्य में, और कुछ शायद आप याद करिए, समय समाप्त होने वाला है और समय समाप्त हो चुका है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। क्या ये 28 है? चेक करते हैं। बिल्कुल सही। अभी हमारे देश में 28 राज्य हैं, क्योंकि 29वां राज्य कश्मीर जो है दो भागों में बट चुका है, और वो दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो चुके हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लेटाइम हमें कौन सा प्रश्न दे रहा है? और हमारा प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न है कि विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, जो नींबू आप लोग प्रयोग करते हैं उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है साइट्रिक एसिड, और ऑप्शन डी है इथेनॉइक एसिड। आपका समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी से अपना उत्तर नोट कर लीजिए और हमें बताइए कि कौन सा एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। आपके पास 7 सेकेंड बचे हैं। चलिए मैं आपके ऑप्शंस आधे कर देता हूँ, अभी आपके पास आधे ऑप्शन बचे हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और साइट्रिक एसिड क्या उत्तर होगा? समय समाप्त हो चुका है, चलिए देखते हैं क्या उत्तर होगा। साइट्रिक एसिड ऑप्शन सी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। अगर आपने ये नोट किया है तो आपको मिलता है 10 अंक। चलिए हम लोग प्ले टाइम से अगला प्रश्न लेते हैं, और प्ले टाइम हमें कौन सा प्रश्न दे रहा है? हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इंडिया है, भारत के पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, और ऑप्शन डी है 7। आप जल्दी से अपना उत्तर जो है सोच लीजिए, क्योंकि आपका समय शुरू हो चुका है, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड बचे हैं। आपको क्या लगता है इनमें से क्या होगा? चलिए अब समय कम है, इसलिए मैं आपके ऑप्शन आधे कर देता हूँ। आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 9 या 7, जल्दी से बताइए क्या होगा। आपका समय समाप्त हो चुका है, चलिए देखते हैं क्या उत्तर सही होगा। ऑप्शन सी 9, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग अब आगे अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्ले टाइम से हम लोग अगला प्रश्न मांगते हैं। प्ले टाइम जल्दी से हमें अगला प्रश्न दे दीजिए, आप कौन सा प्रश्न दे रहे हैं हमें? और हमारे पास अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और व्यक्तिगत रूप से वे कितने नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। आपका समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी से अपना उत्तर नोट कर लीजिए। आपको शायद बहुत से लोगों को इसका जवाब मालूम होगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं और 10 स्कोर करते हैं। आपका समय समाप्त होने वाला है, और आपका समय लगभग समाप्त हो चुका है, चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा। ये ऑप्शन ए 15, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग प्री टाइम से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और 9वें प्रश्न 10वें प्रश्न की ओर, ये अंतिम प्रश्न शायद होगा, और देखते हैं ये क्या है। नेम द बर्थ प्लेस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी है कटक, ऑप्शन सी है कोलकाता, और ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। आपका समय समाप्त हो चुका है, आप जल्दी से बताइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास 6 सेकंड बचे हैं। चलिए मैं अंतिम प्रश्न है, इसलिए मैं आपके ऑप्शन आधे कर देता हूँ। आपके दो दो ऑप्शन है भुवनेश्वर और दार्जिलिंग। समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं सही जवाब क्या होगा। क्या ये ऑप्शन बी कटक सही है? बिल्कुल सही है। देखते हैं क्या प्ले टाइम के पास और प्रश्न बचे हैं। प्ले टाइम जल्दी से बता दीजिए, क्या ये अंतिम प्रश्न था या आपके पास और प्रश्न बचे हैं? हाँ, हमारे पास अंतिम प्रश्न बचा हुआ है अभी, और ये क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ न्यूज़? न्यूज़ जो शब्द है जो आप लोग प्रतिदिन टीवी में देखते हैं, न्यूज़ शब्द आप लोग देखते हैं सुनते हैं, तो इस न्यूज़ शब्द का जो है क्या जो है फुल फॉर्म है, मतलब इसका विस्तारित रूप से क्या नाम होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी है साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन सी है ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, और ऑप्शन डी है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये बहुत ही साधारण प्रश्न है और बहुत ही आसान भी है, आप जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। आपके पास 9 सेकंड बचे हैं, अभी आपके पास 6 ही सेकंड बचे हैं। चलिए मैं आपके ऑप्शन आधे कर देता हूँ। आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बचा है, अब जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। आपने नोट कर लिया है, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। न्यूज़ एन नॉर्थ
ई ईस्ट, डब्ल्यू वेस्ट एंड एस साउथ। लगता है ऑप्शन डी सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही, बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। चलिए देखते हैं क्या हमारे पास और भी प्रश्न बचे हैं या हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। प्ले टाइम के पास कोई और प्रश्न बचा है क्या? नहीं, हम लोग जो है ये हमारा अंतिम प्रश्न था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया होगा और आपने आप अपने स्कोर हमें बिल्कुल बताइए। आपने जितने सही किए हैं उसको 10 से गुना कर दीजिए, आपके स्कोर आपको पता चल जाएंगे और टोटल मार्क्स हैं 100। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट्स में मुझे बिल्कुल बताइए। और दोस्तों अगर आप इस तरह के और भी क्विजेस खेलना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसे पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सबका ज्ञान बढ़ाइए। अलविदा दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।